नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश की सबसे बड़ी एथेन क्रैकर परियोजना को स्वीकृति प्रदान की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि इस परियोजना से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। सीहोर जिले के आष्टा में लगाई जाने वाली इस परियोजना के लिए गेल इंडिया 60,000 करोड़ का निवेश करेगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान तेजी से चल रहा है। 5 जून से अब तक 36,000 नागरिकों के सहयोग से नदियों तालाबों के घाट और कुएं बावड़ियों की सफाई हुई। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना के पहले चरण और दूसरे चरण में बुंदेलखंड के 10 जिलों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। सिंचाई के साथ 41 लाख की आबादी को पेयजल की सुविधा भी मिलेगी। उसी सिलसिले में जो जल गंगा संवर्धन अभियान हमने चलाया था, जैसा कि आपकी जानकारी के 5 तारीख के दिन मैंने बेतवा नदी के उद्गम स्थल से अपने इस अभियान में मेरी स्वयं की उपस्थिति दर्ज करा करके हमने शुरुआत की थी। 6 तारीख को छोटे तालाब में भोपाल से उधर ग्रामीण विकास मंत्रालय था, कल परसों 5-6 तारीख को स्थानीय शासन मंत्रालय के माध्यम से इस अभियान की शुरुआत की है। और जैसा कि हमको मालूम है कि ये जो जल गंगा संवर्धन अभियान है, इसके माध्यम से प्रदेश के जल स्रोतों के संरक्षण, साफ सफाई, व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण इत्यादि बहुत सारे कामों को लेकर के 16 जून गंगा दशहरा तक इस आयोजन का पूरा हमने एक कार्यक्रम बनाया है। इसके माध्यम से 3,090 करोड़ के जल संरक्षण के 990 कामों को हमने प्रारंभ किया है। और इसी में खास करके सभी पंचायत, नगरीय निकाय, जल संरचनाओं की मरम्मत, पर्यावरण संरक्षण और इत्यादि कामों को जोड़ा है। और खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपनी मां को समर्पित पौधारोपण की बात कही, तो लगभग 5.5 करोड़ पौधों लगाने का हमने इसके बाद का, अभी तो गड्ढे हम कराते जाएंगे और सेकेंड चरण में इस जल गंगा संवर्धन अभियान के बाद एक बड़े आयोजन में 5.5 करोड़ पौधे रोपण का बड़ा एक कार्यक्रम भी हम